कुछ कहना चाहोगे? इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, नाम काफ़ी यूनिक लग रहा है, उसके बारे में जानना चाहूँगा पहले तो। आई थिंक हमारे डायरेक्टर साहब को ये सवाल लेना चाहिए, बिकॉज इनकी फिल्म है, हमारी फिल्म है, लेकिन आप बताएं फिल्म हैंकी पैंकी में कौन हैंकी पैंकी कर रहा है और फिल्म किसके बारे में? हैंकी पैंकी मतलब कि थोड़ी सी चालाकी है ना, चालाकी। तो लाइफ में ना ऐसा मोमेंट आता है कि बंदा बोलता है थोड़ी सी हैंकी पैंकी करके शॉर्टकट से आगे बढ़ जाए। करेक्ट। तो यहाँ जो हैंकी पैंकी हो रही है वो किसी पैसे के लिए या पावर के लिए नहीं हो रही, वो रिश्तों नातों को लेके हो रही है। कि रिश्ते नाते कुछ ऐसे होते हैं कि हम कभी सोचते हैं कि ये रिश्ता थोड़ा लूज है, चलो थोड़ा हैंकी पैंकी करते हैं, इसको टाइट कर लेते थोड़ा। तो जैसे हमारा टाइटल है हैंकी पैंकी, और वैसी यूनिक स्टोरी भी है। मेरे लास्ट शो का नाम था ये रिश्ता क्या कहलाता है, और ये इस हैंकी पैंकी में अब मुझे पता चलेगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। करेक्ट। आई कैन रिलेट इट। करेक्ट। फर्स्टली थैंक यू सो मच सर फॉर बिलीविंग इन मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम रियली एक्साइटेड, टू वर्क विद अर्जुन। सेम 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 नहीं सेम हियर यार, सेम हियर एब्सोल्युटली। आई होप इट इज अ गुड थिंग। यस, पूरी फिल्म कनाडा में शूट की जा रही है सर। एक बहुत अच्छा मैसेज के बारे में हम लोग कल डिस्कस कर ही रहे थे कि बहुत से लोगों को लगता है कि ये देश छोड़ के जो है विदेश चलते हैं, वहाँ पे जो है ग्रोथ ज़्यादा होगी, सपने सारे पूरे होंगे, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। वहाँ जाकर चीज़ें ख़राब ही हो जाती हैं, रिश्ते टूट ही जाते हैं, चीज़ें सपने पूरे बिल्कुल भी नहीं होते आपके। तो ये भी एक जो है आप इस फिल्म के थ्रू बताना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं प्लीज़। वो हर बंदा ना बाहर चला सोचता है NRI बन जाए, बाहर चले, वहाँ सब कुछ है, पैसा है, दौलत, शोहरत है, पर जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाके पता लगता है कि हाँ वो सोने का पिंजरा है, सब कुछ मिल जाएगा, पर आपको मेहनत 10 गुना करनी पड़ेगी। खुशी नहीं है, बस सोने के पिंजरे में जैसे पंछी कैद होता है ना, वैसी लाइफ हो जाती है। सब कुछ मिलता है, गाड़ी, बंगला, पर बस पुरानी किस्त खत्म हो गई, नगली खड़ी है, बस रोलिंग चलते जाओ, कमाते जाओ, रोबोट की तरह काम कर रहे हैं आप। करेक्ट करेक्ट। आई थिंक मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ, जहाँ तक जितना मैं बता सकता हूँ कि आई प्ले अ मामाज बॉय, की यू नो ऑलवेज आपकी मेरी खुद की एक इंडिविजुअलिटी नहीं है फिल्म में। आई लिसन टू माई मदर अलॉट, कि माँ बोलती है उड़ जाओ तो मैं उड़ जाता हूँ, माँ बोलती है बैठ जाओ तो बैठ जाओ, फिर माँ बोलती है भाई शादी कर लो, और अपने इसके अगेंस्ट में जाके शादी कर लेता हूँ, मैं इनको जानता नहीं हूँ। और उसके बाद ऑब्वियसली व्हेन आई यू नो आई एम इन कैनेडा एंड आई रियलाइज कि भाई कि बिकॉज मेरी खुद की इंडिविजुअलिटी नहीं थी, आई एम नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। और जो वो उसका पूरा एक जो एक स्ट्रगल है दैट यू सी विद इन द फिल्म, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल, जब मैंने यू नो फिल्म सुना तो मुझे लगा कि बहुत से लोग रिलेट करेंगे। मेरे बहुत से फ्रेंड्स इसी आशा में, इसी होप में छोड़कर देश को गए थे कि भाई वहाँ पर ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी, ज़्यादा सपने पूरे होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं उनके साथ। एंड अ लॉट ऑफ पीपल इन फैक्ट केम बैक टू द कंट्री, एंड आई सेड यार मैंने इतने किस्से सुने तो मैं बिल्कुल रिलेट करता हूँ ऐसे कैरेक्टर से, इसलिए मुझे लगा यार ये फिल्म जो है करनी चाहिए। नो एक्चुअली इट्स नॉट माई फर्स्ट फिल्म, इट्स माई सेकेंड फिल्म एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। जो मेरा कैरेक्टर है वो एक लड़की है, शी इज़ वेरी मॉडर्न, शी गेट्स मैरिड टू अ गाय हु इज़ अ चंपू यू कैन से, एंड कैसा उनका स्ट्रगल रहता है, कैसे उनका रिलेशनशिप, दो ऑपोजिट लोग कैसे प्यार में पड़ते हैं, कैसे अपने रिश्ते ठीक करते हैं, क्या कोशिश करते हैं कि कैसे उनका रिश्ता ठीक हो, कैसे चलाए उसे, ये उसकी कहानी है। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज आई कैन रिलेट टू द कैरेक्टर, क्योंकि जैसे मैं रियल में हूँ वैसे ही मैं इस फिल्म में हूँ, सो आई कैन रिलेट हाउ मच नाइस। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी चंपू दो। नो आई मीन यू चंपू, आई मीन कैरेक्टर। अच्छा कैरेक्टर चंपू। या 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 मैंने कोशिश की थी कि मैं ठीक ठाक लगूं यार आज यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आई एम जोकिंग। बिल्कुल। और आपके फादर इसमें काफी एक्सपर्ट हैं, तो आपने क्या इंस्पिरेशन लिया अपने फादर से? आई थिंक जस्ट बी योरसेल्फ, और आई थिंक सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी करें अपने लाइफ में, चाहे वो एक्टर हो, स्पोर्ट्समैन हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, अपने दिल से जो है उस चीज़ को निभाना बहुत ज़रूरी है। दैट्स समथिंग दैट आई हैव लर्नड, उसके ऊपर ऑनेस्टली कोई चीज़ नहीं है। व्हेन यू ट्राई, आई हैव रियलाइज वन थिंग कि जब आप बहुत कोशिश करते हैं, बहुत व्हेन यू ट्राई टू हार्ड, वो चीज़ें जो है कभी नहीं होती हैं। और जब आप यू नो यू टेक इट ईजी और आप सिंसियरली करते हैं कि भाई मुझे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बात करें एज एन एक्टर, तो मुझे जो रोल मिलता है उसको मैं सिंसियरली निभाने की कोशिश करता हूँ उस दायरे के अंदर। और बाकी एट द एंड ऑफ द डे यू नो इट्स दी ऑडियंस, इज लाइक आश्रम में लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया टिंका सिंह को लेकर, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना प्यार मिलेगा, बट मैंने सिंसियरली उस सीन सारे सीन्स को निभाए, उस शो में काम किया,
और उसका फल मुझे मिला. सो आई थिंक दैट समथिंग आई हैव लर्न फ्रॉम माय फादर. जी जी रॉकस्टार यस 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 यस. अब आने वाले समय में किस तरह से देखते हो? यार न्यू वर्जन तो नहीं है, बट आई एम सीइंग आई प्रोबेबली से अ बेटर वर्जन ऑफ मी, बिकॉज ये जो मेरी स्ट्रगल्स रही है, जर्नी रही है, जो मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज में कहता हूँ, जो फेलियर्स रहे हैं, दैट आई बीन थ्रू माई डार्क फेजेस, आई बीन थ्रू माई डिप्रेशन, यू नो, जब काम नहीं मिल रहा था, इट हैज़ टॉट मी अ लॉट. उस वक्त लगता है कि ऐसा भगवान मेरे साथ क्यों कर रहे हैं भाई, वो आगे जा रहा है, उसकी उसका करियर आगे बढ़ रहा है, मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा है. बट देन यू रियलाइज़ कि हर एक इंसान की जो है एक 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 ग्रोथ होती है, एक फेज़ होता है जिसमें उसको कुछ चीज़ें सीखनी होती है लाइफ में, दैट यू कैन ओनली रियलाइज वंस यू पास दैट स्टेज. You know, so I think it. I think that stage, that time in my life made me a better actor for sure. और जहाँ तक मेरे वक्त का सवाल है, I think वक्त कभी आता नहीं, वक्त को लाना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है लाइफ में, और as I said, sincerely काम करना पड़ता है. तो yes, I mean after Ashram, अभी मेरी 11वीं फिल्म है ये, और मैं ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बातें करता नहीं हूँ, because I believe कि my work should speak. तो कुछ अच्छे बड़े शोज़ भी हैं जो मैं कर रहा हूँ, अच्छी बड़ी फिल्में भी हैं, कुछ अच्छे नए डायरेक्टर्स के साथ भी काम कर रहा हूँ, नए लोगों को सपोर्ट करना जो है मैं चाहता हूँ, कि जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे भी कोई सपोर्ट करे, मैं भी कुछ लोगों को सपोर्ट करना चाहता हूँ. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम हियर, बिकॉज सोनू भाई एंड सर, आई थिंक द ग्रेट पीपल, यू नो, ऑफ कोर्स काची, ऑल दिस पीपल, आई थिंक द वंडरफुल पीपल, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे. आई थिंक मैंने बहुत कुछ बोल दिया. सर जब फिल्म मैं शूट करने जाऊंगा कनाडा अभी सितंबर में, जब चीज़ें होंगी, जब मैं इस कैरेक्टर में घुसूंगा, तो वो कैरेक्टर मुझे क्या कुछ एक मैसेज देगा या सीख देगा एज अ ह्यूमन बींग, आई थिंक वो ओनली आफ्टर आई फिनिश शूटिंग द फिल्म आई विल गेट टू नो. पर एक बात डेफिनेटली मुझे पता है कि भाई मेरा भारत महान, इतना मुझे पता है, जो भी है इसी देश में करना है सर हम लोग को. मेरा अगला सवाल डायरेक्टर सर से होगा. सर पहले तो मैं जानना चाहूँगा, न्यू पेयर आए हैं कांची जन्म इज अ फ्रेश पेयर दैट वी आर गोइंग टू सी, कास्टिंग किस तरह से हुई और आप दोनों ने इन दोनों को क्यों सिलेक्ट किया एज अ कास्टिंग? जब वो स्टोरी हमारी फाइनल हुई तो हमने देखा कि मम्मा बॉय होते हैं ना, कि मम्मा बोलती बेटा ये कर लो, जी मम्मा, मम्मा बेटा ये कर लो, जी मम्मा, वो मम्मी की कोई बात टालते नहीं है. तो ऐसा जोड़ी गुड़ सा करेक्टर चाहिए था, जब हम मध्यन से मिले तो नहीं है, एक चंपू बोल रहे हैं, एक बोल रहे हैं, दादा क्या है, मैं मम्मी की बात सुनता हूँ लेकिन खुद भी करने नहीं सर. तो जैसे अभी हुआ तो वो करेक्टर ऐसा ही था, तो जब इनके साथ हमें नरेशन पे बैठे तो हमें लगा कि जो हमारी कहानी की डिमांड है ना वो इस करेक्टर पर परफेक्ट है. सेकंड जब हम कांची से मिले, इनके साथ डिस्कस हुआ स्टोरी पे, तो उनका अपना एक वो है जोनर है ना, तो वो मम्मा गर्ल नहीं है, तो वो बोलती नहीं, जो आज की लड़की होती है मॉडर्न है, मैं करूँगी अपनी मर्जी से करूँगी, आई डोंट लाइक, मैं मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद है, मैं यही करूँगी. दो अलग जोनर है, वो एक पॉइंट पर आके एक प्लेटफॉर्म पर आके इकट्ठे हो जाते हैं. अब एक बोलता है लस्सी पीनी है, एक बोलती मैं तो चाय, आई लाइक कोल्ड ड्रिंक. अब दो जनरेशन कैसे धीरे 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 एक होते हैं, फिर उनको लगता है छोड़ो हैंकी बैंकी करते हैं, ये तो ऐसे ही है, वो बोलती है यही तो ऐसे ही है. तो वो मैसेज ये है कि लाइफ में आप जिसको चाहते हैं हर बारी आपको वो नहीं मिलता, कई बारी ऐसा मिल जाता है, उसको अपने लाइफ बनाना पड़ता है, प्यार करना पड़ता जी. है जी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं फिल्म करूँ. आई थिंक हर एक्टर का सपना होता है कि एक दिन वो खुद को बड़ी स्क्रीन पर देखे, बीट अ टीवी स्टार और थिएटर स्टार और खुश हुए. एंड आई गेस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज ये काफ़ी इट्स अ यंग लव स्टोरी, बहुत अच्छे से पोर्ट्रे की जाएगी है एंड मज़ा आएगा करने में, बिकॉज दो लोग एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है और कैसे वो प्यार होता है, आई गेस ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आएगा. एंड एवरी टाइम व्हाट यू डू इट्स समथिंग यू लर्न from, so I'm going to learn a lot from, I think, Adhyan, sir, and everybody. So I'm really excited for that and I'm really looking forward. Okay, your show is so popular, what do you think about it? Because everyone is
आई गेस इस सीजन को 12 साल हो गए हैं, 12 या 13 साल हो गए हैं. आई एम ब्लेस्ड कि आई वाज अ पार्ट ऑफ सच अ शो. घर घर पे वो शो देखा जाता है और मैं उसकी एक मेंबर रही हूँ. तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा टू बी अ पार्ट ऑफ इट. मैं दुआ करूँगी कि वो और आगे बढ़ते जाए, ऐसे ही अच्छा काम करते जाए और सब उसे देखते जाए. इलेवेंथ मूवी ऑफ दिस ईयर. दिस ईयर वैसे तो मैं काफ़ी उम्मीद कर सकता हूँ. जी जी, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कम मूवीज मिली है. बिल्कुल, जहाँ की राज की मैं बात, बिल्कुल बिल्कुल, हटलेस की मैं बात, बिल्कुल, जिस तरह किरदार आपने निभाया. जी जी, यार मैं तो डेफिनेटली चाहता हूँ कि मुझे और फिल्में मिले, अच्छी फिल्में मिले. देखिए मुझे लगता है फिल्में छोटी और बड़ी नहीं होती, किरदार अच्छे होने चाहिए. वो आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और आज के दौर में आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग और राइट, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ द बिग फिल्म्स आर नॉट वर्किंग टुडे. और बहुत सी फिल्में जो हैं जो नए लोगों के साथ बनाई जा रही हैं, वो सारी फिल्में जो हैं वो चल रही हैं OTT पे. इतने नए एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर सबको मौके दिए जा रहे हैं, विच आई थिंक इज़ अ वंडरफुल थिंग. आई थिंक जब मैंने शुरुआत की थी राज 2 से, माई बॉक्स ऑफिस वॉज 70 crores. एंड टू बी ऑब्वियसली यू नो द हीरो ऑफ अ फिल्म दैट हैज़ डन 70 crores विद ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स लाइक यू नो सोनियो एंड यू नो राज 2. तब शुरुआत बहुत अच्छे से हुई थी. जशन मैंने की महेश भट्ट साहब के साथ, क्रिटिकली एक्लेम थी. तब काम नहीं मिला और क्यों, फिल्में बंद हो गई, 12 फिल्में बंद हो गई, रिसेशन आ गया था. तो रीजंस बहुत सारे हैं, लेकिन उस रीज़न में जाकर उसमें घुसना कोई मतलब नहीं है. बिकॉज जब वक्त जो है, जब वक्त नहीं था तो वक्त नहीं था, उस पर लड़के कोई मतलब नहीं है. और एज आई सेड कि जो मुझे लर्निंग्स करनी थी वो मैं आगे बढ़ता गया लाइफ में, ज़िंदगी को यू नो देखता गया, सीखता गया लाइफ में. और अब मैं होप करता हूँ सर, जैसे आपने कहा कि मुझे और फिल्में मिलनी चाहिए और काम मिलना चाहिए, अच्छा काम मिलना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ काम मिलना चाहिए. तो मैं आशा करता हूँ कि मुझे ऐसी लोग काम देते रहें और मैं आगे सिंसियरली काम करता रहूँ. बस और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ. लॉकडाउन की मैं बात करूँ तो लाइक यू एंड योर फादर रियली सपोर्टेड सुशांत सिंह राजपूत ड्यूरिंग दैट टाइम. आपने गाना भी गाया था उसको, या 2.2 वर्जन, या जब काफी या या इट डिड एक्चुअली डिड वेरी वेल. यस, एंड आज फिर से रिया चक्रवर्ती को चार्ज शीट हुई है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या लगता है सुशांत सिंह राजपूत को कभी भी जस्टिस मिल पाएगा? यार देखो यू नो जब इसकी बात थोड़ी सी फिल्म से हटते हैं, ज़्यादा नहीं करूँगा इसके बारे में मैं, लेकिन जब ये बात निकली थी, जब डैड ने फोरम शुरू किया था, तो आई थिंक माई फादर वॉज वन ऑफ द मे बी गिन चुन के दो लोग थे जिन्होंने सपोर्ट किया था. एक फोरम खोला था, उनके फादर से कोविड के दौरान मिलने गए थे. और हमें आई रिमेंबर एज आई सेड इन द इंटरव्यू ऑल्सो, आई फॉट विद माई फादर. आई सेड इज द पीक ऑफ कोविड, यू के नॉट फ्लाई डाउन टू पटना राइट नाउ एंड मीट समबडी. ही सेड इट्स नॉट अबाउट मीटिंग समबडी. उस बाप को एक ज़रूरत है एक सपोर्ट की. और मुझे वहाँ पर भले ही मैं बात ना कर पाऊँ, लेकिन वहाँ पर बैठना खाली बहुत ज़रूरी है, मिलना बहुत ज़रूरी है, जहाँ कि मुझे लगता है कि इंडस्ट्री का कोई भी नहीं गया. एंड आई थिंक माई फादर टुक दैट वेरी ब्रेव स्टेप, एंड आई थिंक दैट्स जस्ट आउटस्टैंडिंग. लेकिन जहाँ तक उनके जस्टिस का सवाल है सर, आई डोंट नो. और मैं यही आशा करता हूँ, लाइक मिलियंस ऑफ सुशांत सिंह फैंस, आई गो ऑन ट्विटर ही इज ट्रेंडिंग, आई गो ऑन इंस्टाग्राम ही इज ट्रेंडिंग, कि भाई वी नीड जस्टिस फॉर सुशांत. मैं आशा करता हूँ कि उन्हें जो है जल्दी जस्टिस मिले. और सच्चाई क्या है कि देखिए, जस्टिस तो मैं चाहूँगा मिले, लेकिन सच्चाई एक्चुअली है क्या, ये पूरी दुनिया जानना चाहती है. सो आई रियली रियली होप कि हमें इसके बारे में भी पता चले. सर इस सपोर्ट की मैं बात करूँ, मैं और जो कि ये शिवम पाजी, हम लोग जो बहुत पुराने फ्रेंड हैं, तो जब ये हमने स्टार्ट किया, हमारा ये था एम कि एटलीस्ट एक अच्छी फिल्म हमें कहीं आउट ऑफ इंडिया जाके हम एक अच्छी फिल्म बना के लेके आते हैं और फिर दिखाते हैं कि एटलीस्ट हम लोग भी कुछ अच्छा काम कर सकते हैं. एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि जैसे इन्होंने अभी बोला था कि यहाँ पर अच्छे अच्छे नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए लोगों को अच्छे से यहाँ पर काम मिल रहा है, बट उनको ना कहीं अभी ये नहीं हो रहा कि यार उनको अच्छा काम मिल रहा है. तो हमेशा मेरा ये है कि मैं अच्छा करके दिखाऊँ, और मैं हमेशा इसी पर बिलीव करता हूँ, अच्छे काम पर मैं अच्छा करूँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे अच्छा 100% मिलेगा. आई थिंक आश्रम ने मुझे एक मेरी सांसें वापस लौटाई हैं, एक नई जिंदगी मुझे वापस दी है. जो फ़ोन आने बंद हो गए थे लोगों के, वो फिर से फ़ोन आने शुरू हो गए हैं. कुछ बड़े उसमें कुछ बहुत बड़े डायरेक्टर्स भी हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, कुछ बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउसेज भी हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ. लेकिन ऑब्वियसली जब वो काम आएगा तो लोग देख लेंगे. बट मैं ऑनेस्टली ये बात हमेशा कहता हूँ कि ऑडियंसेस से बढ़कर कोई नहीं है. वो आपको बना सकते हैं, वो आपको हटा सकते हैं, गिरा सकते हैं, जो भी है. बट आई एम जस्ट इटर्नली ग्रेटफुल कि इन्होंने मुझे फिर से मौका दिया
स्क्रीन पर आने का, और इट गोइंग टू बी इटर्नली ग्रेटफुल, और मैं मेहनत करता रहूँगा अपने लाइफ में और सिंसियरली काम करता रहूँगा, एंड आई जस्ट होप दैट काम मिलते रहे और मैं काम करता रहूँ। चलिए सर, सर इनके साथ जुड़ के सर इस फील्ड में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, और एंट्री कर रहे हैं तो इन्होंने बोला कि सोनू जी मुझे आप पे भरोसा है, जो आप करोगे बहुत अच्छा करोगे फिल्म को लेके, और ऐसा नहीं कि फॉरेन लोकेशन पे शूट ही करना था, कहानी की डिमांड ऐसी है कि हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। अब हम नॉर्थ इंडिया में जाएं, वहाँ बच्चा 10-12 साल का होता है तो मम्मी पापा बोलते हैं इससे पहले कि बिगड़े कनाडा भेज। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो वहाँ चल रहा है नॉर्थ इंडिया में सारा कि बस बच्चा जवान हुआ या यूके या कनाडा, तो वो दिखाना चाहते हैं कि वहाँ भी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर पैसा कमाना है नाम कमाना है तो मेहनत, अगर यहाँ 10% है तो वहाँ 200% है, वो करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड अपोलॉजीज वंस अगेन, आई वाज लेट, ही इज द रीजन, आई एम जोकिंग बट सॉरी।